अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम फ्लोर प्लान का 3D स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास फ्लोर प्लान है और अभी हमने इसका एक स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो इसको ड्रा करने के लिए पहले हमने इसकी वाजवा को ड्रा करना है और फिर उसके बाद हम सबको एक्सट्रूड करेंगे। तो पहले हम ये कर लेते हैं कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं उनको ड्रा करते हैं। हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल टूल, और यहां से इसको ड्रा करके ये हमने इसकी बाउंड्री ड्रा कर दी। और इसके साथ हम उसका ले लेते हैं ऑफसेट, ले लेते हैं ऑफसेट में हम कर लेते हैं इसका 5 इंच कर लेते हैं। 5 इंच इसका ऑफसेट है और पांच इंच ऑफसेट लेने के बाद हम क्या करते हैं कि हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और यहां से हम इसको ड्रा करते जाते हैं। ये हमने इसको ड्रा कर लिया और इसको भी हम इस तरह ड्रा कर देते हैं। अभी हम रफ तरीके से ड्रा कर रहे हैं और आप इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। हम इसको ड्रा कर दिया, अभी हम इस वाले रूम को ड्रा कर रहे हैं। आप रेक्टेंगल टूल से बहुत ही इजीली इसको ड्रा कर सकते हैं। और जो डोर की जगह होगी वो हम साथ साथ छोड़ते जाएंगे, उसको हम बाद में वहां पे हम डोर लगा देंगे वहां पे। तो यहां पर हमारी विंडोज की जगह, तो यहां पर हम इसको सिंपली यहां से कट लगा देते हैं ताकि यहां पर आप विंडो वगैरह रख सके। और ये हमारा डोर है तो इस जगह को भी हम कट लगा के छोड़ देते हैं ताकि हम यहां पर अपना डोर फिक्स कर सके। तो सिंपल ये है कि सबसे पहले हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसको 10 इंच बल्कि 10 फीट हम इसकी हाइट रख दी है और इसी तरह ये दरमियान वाली जो वॉल है इसको पकड़ के हम यहाँ तक ले आए हैं। और ये इसका पिलर हो गया और ये इसकी डोर है, दरमियान में हमने जगह खाली छोड़ दी है और ये यहाँ तक हम जाते हैं। और इसी तरह हम इस दीवार को भी यहाँ तक ले आते हैं। हम जो इसकी लंबाई है इसको हम कम भी कर सकते हैं, इसकी जो हाइट है इसको हम 8 फीट पे भी लेके आ सकते हैं। ये जस्ट अभी आपको समझाने के लिए कि हम स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। और इस वाली वाल को भी हम ऊपर लेके आ जाते हैं, इसको भी हम ऊपर ले आते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता जा रहा है। सिंपल हमने रेक्टेंगल टूल से वॉल्स जो हैं वो लगाई हैं और उसको पुश पुल टूल के जरिए से हम उसको एक्सट्रूड कर रहे हैं। ये देखिए, कोई भी फ्लोर प्लान है तो हम उसको इस तरह उसको 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये वाली वॉल है तो इसको भी हम ऊपर उठा लेते हैं। और अगर
ये मेट में हमने विंडोज रखनी है, तो हमने विंडोज रखनी है तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर इसकी विंडो रख देनी है, तो हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोल प्रेस करके इसको यहां तक ले आते हैं और फिर कंट्रोल प्रेस करके हम इसको ऊपर तरफ ले आते हैं। तो ये है आपके पास थ्री डी स्ट्रक्चर, ये रेडी हो गया है। आप कोई भी फ्लोर प्लान है आपके पास 2D है तो उससे आप उसको 3D इजीली बना सकते हैं। ये दरमियान हमने डोर्स की जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे आप डोर्स भी लगा सकते हैं और यहाँ पर इसकी विंडोज वगैरह भी दे सकते हैं। अब ये जस्ट एक कंसेप्ट है आपको समझाने के लिए, ये हमने पहले इसका 2D फ्लोर प्लान था और उसको हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सट्रूड टूल कैसे काम करता है। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।